वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास टेंथ फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो चैप्टर सेवन है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया उसका पार्ट वन बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर वन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन है वॉट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। अब यार नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको इस डायग्राम में फिगर में दिखा रखा है, ये एक बूढ़े अंकल हैं जो कि किसी फोटो को देख रहे हैं और शायद बचपन की जो भी यादें रही होंगी उनके। तो नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद करते हैं और उस याद में कहीं ना कहीं खो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। तो इसका आंसर है जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो उन पुर्तगीज डेज को याद करते हैं जब बहुत ज्यादा ब्रेड्स बनती थी अलग अलग तरह की। अब तुम कहोगे सर इंडिया के अंदर पुर्तगीज, ये कौन सी बात है? तो चिल्ड्रन बहुत ज्यादा सर्च करके मैं आपके लिए लेके आया हूं, 1510 में जो पुर्तगीज लोग हैं उन्होंने गोवा पे अपना कब्जा कर लिया था, समझ रहे हो? जैसे 1947 में हमारे देश को आजादी मिली किससे? अंग्रेजों से। तो 1510 के आसपास जो पुर्तगीज थे उन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया था, गोवा उनकी कॉलोनी थी, तो उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे चल रही थी। तो अब हम इस बात को लिखेंगे व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। पूरा आंसर मैंने वहीं से उठाया, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट, है ना, ये जो रेड रेड में है पूरा हमने यहीं से लिया, आर अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज एंड देयर लव ऑफ ब्रेड। तो यानी कि ये जो बूढ़े लोग हैं ये पुराने दिनों को याद करते हैं जब पुर्तगीज के बहुत अच्छे दिन चल रहे थे और वहां पे बहुत तरह तरह की ब्रेड मिला करती थी। द राइटर सेज दैट द ईटर्स ऑफ द लोव्स, लोव्स का मतलब है ब्रेड के टुकड़े, भले से वो जो लोग हैं वो आज मर गए हों या इस दुनिया से चले गए हों, बट द मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। मेकर्स का मतलब है वो जो बेकरी बनाने वाले हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। क्या ब्रेड मेकिंग आज भी गोवा में पॉपुलर है? तुम कैसे? ऑब्वियस बात है हर जगह ब्रेड बनती है ऑल ओवर इंडिया में, और अगर गोवा की बात करें तो वहां पे भी अभी बनती है। इसका आंसर देने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा तुम्हारे चैप्टर, ये तुम्हारा चैप्टर है बेकर फ्रॉम गोवा। तो यहाँ पे ये वाली लाइन्स देखो, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, वो जो लोग हैं भले से वैनिश गायब हो गए हो या मर गए हो, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, वी स्टिल हैव amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. आपको पता है ब्रेड को बनाने के लिए मिक्सर की जरूरत होती है, मोल्डर्स की जरूरत होती है, मशीन्स की जरूरत होती है, वो आज भी है। तो देखो, is bread making still popular in Goa? Yes, bread making is still popular in Goa. पूरा का पूरा आंसर। अब ये पूछ रहा है हाउ डू यू नो इट, आपको ये वाली बात कैसे पता? This is very clear from the narrator's statement that the eaters have gone away. Narrator के इस वाले statement से, ये जो मैंने आपको दिखाया था, eaters of loaves might have vanished, वो भले से चले गए हों लेकिन makers अभी भी हैं। तो यहीं पे हमने वही वाली बात लिख दी है, narrator के इस वाले statement से, that the eaters have gone away, जो लोग खाने वाले हैं वो भले से चले गए हों, but makers are still there. And all the equipment, जो भी equipment जरूरत होती है, which are used in baking breads, जिनका यूज किया जाता है ब्रेड को बेक करने में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक इक्विपमेंट दिखाया है, ये जो मैंने आपको फिगर्स दिखाए हैं ये केवल आपको समझाने के लिए है, आपको केवल एग्जाम में ये लाइंस लिखनी है, है ना। ब्रेड को जो आटा है उसे पहले मोल्ड किया जाएगा इसमें, ठीक है, उनके स्लाइसेस बनेंगे इसमें, तो जो भी जो इक्विपमेंट जरूरी है जैसे मिक्सर हो या मोल्डर हो इन सब चीजों की, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां फॉलो कर लो, englishbaba.eb, और आप मेरे साथ बात भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, वहां मुझे फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेजेस छोड़ सकते हो। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है? द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर, PADER, याद रखना ये जो है इन्हें कहा जाता है पैडर। नेक्स्ट, When would the baker come every day? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो उसमें बताया है नरेटर ने कि वो जो बेकर है यानी कि ये जो है कितनी बार आता था, कब आता था। Why did the children run to meet him? और जो छोटे बच्चे होते थे घरों में वो भागे भागे उसके पास क्यों जाते थे? तो राइट आंसर है ये जो बेकर है ये दो बार आता था, एक तो सुबह आता था सुबह सुबह,
और एक जब ये अपना पूरा सामान बेच के आता था, थोड़ी बहुत ब्रेड रह जाती थी, तो ये एक बार और आता था। और जो छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए स्पेशली अलग तरह की इस तरह की गोल 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 ब्रेड और लेके आता था बैंगल्स की तरह, तो बच्चों बड़े एक्साइटेड होते थे इसे खाने के लिए, इसलिए वो उसके पास भागे भागे जाते थे। इसी बात को अब हम आंसर में लिखेंगे। द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे। ट्वाइस का मतलब जो बेकर है दो बार आता था, वंस इन द मॉर्निंग एक बार सुबह के टाइम, एंड द सेकेंड टाइम व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर सेलिंग हिज स्टफ, जब ये इसका लगभग पूरा माल बिक जाता था, जो थोड़ा बहुत बचता था उसे देने ये शाम को दोबारा आता था। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि बच्चे क्यों भागे भागे जाते थे। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम बिकॉज दे वॉन्टेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स। अब ब्रेड बैंगल्स का मतलब होता है चूड़ी, तो ये जो चूड़ी की तरह की जो ब्रेड थी, बच्चों को ये खाने में बड़ा मजा आता था, है ना, इसके लिए वो उसके पास भागे भागे जाते थे। चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ कर दिया है। जैसे आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो एज मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट किसके बिना अधूरे हैं, मैरिज गिफ्ट में स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल दिया जाता था, मीठी ब्रेड। अगर कोई भी पार्टी होती थी और फीस्ट या पार्टी होती थी, तो उसमें ब्रेड का आइटम जरूर होता था। जब किसी लड़की की शादी होती थी, इंगेजमेंट होती थी, तो उसकी मम्मी सैंडविचेस बनाती थी। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस कोई भी क्रिसमस, केक और बोलिनास के बिना, बोलिनास भी क्या, ये भी एक तरह की ब्रेड है, इनके बिना अधूरा है। तो ये मैच द फॉलोइंग से। अब इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द बेकर वेयर, जो बेकर है उसकी ड्रेस क्या होती थी। इसके दो पार्ट हैं, एक तो पुर्तगीज डेज के टाइम पे और ऑथर के टाइम पे। तो पहला है पुर्तगीज डेज के टाइम पे, जब पुर्तगीज के डेज थे उस टाइम पे जो बेकर होते थे वो ये वाली ड्रेस पहनते थे, एक लंबा सा कुर्ता टाइप फ्रॉक जैसी होती थी, नीचे कुछ नहीं होता था, बस एक वन पीस होता था, है ना, और इसे बोलते थे कबई। तो पहला आंसर देखो हम कैसे देंगे। द बेकर्स यूज टू वेयर अ डिफरेंट ड्रेस फ्रॉम यूजुअल। यूजुअली क्या लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, ऐसी ड्रेस नहीं पहनते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस पीस लॉन्ग फ्रॉक, सिंगल पीस में एक लॉन्ग फ्रॉक काइंड ऑफ होती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, और देखो उनके लगभग घुटनों तक, देख रहे हो आप, घुटनों तक आती थी, और इसे कबई बोलते थे। इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेकर वेयर, पहला तो हमने कर लिया, व्हेन द ऑथर वॉज यंग, जब ऑथर यंग था, छोटा था, उस टाइम पे वो क्या पहनता था। उस टाइम पे जो बेकर है वो एक शर्ट टाइप पहनते थे और एक पैंट होती थी जो कि ना तो प्रॉपर यहां तक होती थी और ना बिल्कुल यहां तक होती थी, वो यहां तक होती थी। अब तुम कहोगे सर यहां तक तो है ही नहीं, ये तो यहां तक है, ये इसने फोल्ड करी हुई है, तो लगभग जो घुटने हैं घुटनों से थोड़े से नीचे तक होती थी। आंसर देखिए, इन चाइल्डहुड डेज द ऑथर सॉ द बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर, एक शर्ट पहनी होती थी और ट्राउजर, ट्राउजर के ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो उसकी ट्राउजर यानी पैंट होती थी वो फुल लेंथ से थोड़ी छोटी होती थी, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, हाफ पैंट क्या होता है, निक्कर, उनसे थोड़ी सी बड़ी होती थी। ठीक है चिल्ड्रन, अगर आप चाहते हो कि हमारे सारे वीडियो आपको फोन पे मिलते रहे, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक englishbaba.eb, मैंने englishbaba123 वो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। हु इनवाइट्स द कमेंट, ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर, व्हाई, लोग किसको देख के कहते हैं, अरे यार ये तो पैडर लग रहा है, पैडर लग रहा है। एनी पर्सन हु इज वेयरिंग हाफ पैंट, कोई भी पर्सन अगर हाफ पैंट पहने हुए दिखता था, विच रीच इज जस्ट बिलो नीज, एक अगर कोई भी पर्सन उन लोगों को दिखता था जिसने हाफ पैंट पहनी हुई है जो कि घुटनों से थोड़े नीचे तक आई हुई है, तो ऐसा आदमी उनके कमेंट इनवाइट करता था। इनवाइट का मतलब है लोग उसे कहते थे, अरे देखो पैडर आ गया, पैडर की जैसे, दिस इज बिकॉज द पैडर यूज टू ड्रेस लाइक दिस, और ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि पैडर की इस तरह की यूनिफॉर्म ड्रेस हुआ करती थी। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, जैसे तुम्हारे यहाँ रोज दूध आता है सुबह और सुबह या शाम को, जब भी मम्मी दूध लेती हैं, तो आपने देखा होगा रोज हम पैसे नहीं देते, हम महीने के एंड में पैसे देते हैं, वो कहीं पे हम लिखते जाते हैं। जैसे मैं बात करूं अपने घर में, तो मेरी मम्मी कैलेंडर पे लिखती रहती है कि आज 1.5 लीटर आया, 2 लीटर आया, 3 लीटर आया, जो भी आया। तो ऐसे ही मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन हाउस विद अ पेंसिल, क्योंकि हर रोज ब्रेड आती थी तो रोज रोज हिसाब नहीं होता था, महीने के एंड में होता था, और दीवार पे किसी कोने पे पेंसिल से हिसाब लिखा जाता था आज कितनी ब्रेड ली गई। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपियरेंस मीन, सबसे पहले तो मैं जैक फ्रूट आपको दिखा दूं। जैक फ्रूट ये वाला सब्जी होती है जिसे कटहल भी बोलते हैं। इट मीन्स हैविंग अ प्लम फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट,
और ये वाला क्वेश्चन या ये वाली बात इस चैप्टर में ऐसी आई है, जो बेकर लोग होते हैं, बेकरी चलाते हैं, वो खा खा के काफी मोटे से हो जाते हैं इन भैया की तरह, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है हैविंग अ प्लम फिजिक। चिल्ड्रन लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ आप में से कितने बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे कॉमेंट सेक्शन में। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, जो बेकर है वो कितनी बार आता था, वंस, एक बार, दो बार, ट्वाइस, थ्राइस, तीन बार या कई बार। आई होप मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। चिल्ड्रन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो इसी तरह से इमेजेस के साथ मैं आपको हर चैप्टर की क्वेश्चन आंसर दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं, बाय।